तो दोस्तों YT स्टूडियो के थ्रू कैसे आप यहाँ पे ब्रांड डील ब्रांड कनेक्शन को इनेबल कीजिएगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, टोटल आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। सबसे पहले आप क्या करें, YT स्टूडियो को यहाँ पे ओपन कर ले। ओपन करने के बाद नीचे में आपको अर्न का ऑप्शन मिलेगा, इस अर्न वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करने में नीचे में जाइएगा तो आपको ब्रांड कनेक्शन का ऑप्शन देखने मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, चैनल आपका मोनिटाइज होना चाहिए और कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल में नहीं आना चाहिए, तो देन दोस्तों आपको यह ब्रांड कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है अर्न रेवेन्यू थ्रू ब्रांड डील। तो सबसे पहले क्या करें, इस ऑप्शन पे दोस्तों आप यहां पे क्लिक कर दें। जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद नीचे में लर्न मोर का ऑप्शन मिलेगा, पूरा आप यहां पे डील के बारे में पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आपको टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहां पे टर्म एंड कंडीशन देखो मिलेगा। नीचे में आप जाइएगा तो सबसे पहले यहां पे योर नेम पूछा जाएगा, मतलब जो आपने यहां पे चैनल बनाया है और उसमें जो प्रोप्राइटर का नेम है, जो आपने अपना नाम डाला है वो प्रोप्राइटर का नेम आपको यहां पे डालना है। देन उसके बाद ईमेल आईडी आपको डाल देना है, ईमेल आईडी आपको जो चैनल में डाला था वो ईमेल आईडी आपको यहां पे डालना है, मतलब जिसे आप यहां पे YouTube चलाते हैं वो ईमेल आईडी आप यहां पे डालिएगा, रिक्वायरमेंट है। और साथ में कंपनी नेम डालना है, कंपनी नेम में आपका चैनल का जो नेम है वो दोस्तों आपको यहां पे फिल अप कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहां पे फिल अप कर लेता हूं। अब दोस्तों जैसे आप ये फिल अप कर लेते हैं, फिल अप करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में जाइएगा तो ये आपको एक्सेप्ट वाला जो बॉक्स मेरा इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहां पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद दोस्तों ये आपका यहां पे ऑन हो जाएगा। देन उसके बाद अब आपको यहां पे YT स्टूडियो में जाना है, मतलब YouTube स्टूडियो में जाना है। अब क्या करें, गूगल क्रोम को ओपन करें और ओपन करने बाद दोस्तों आपको यहां पे studio.youtube.com आपको यहां पे लिखना है और लिखने के बाद यहां पे लॉगिन पे क्लिक करके आपको यहां पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पे लॉगिन कर लेता हूं और लॉगिन करने के बाद आपको यहां पे वेट करना है, यहां पे डेस्कटॉप आपका यहां पे ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहां पे देखें तो अर्न वाला ऑप्शन दोस्तों यहां पे आपको देखने मिलेगा, ये देख सकते हैं। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें, इस पे दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वहीं पे आपको ब्रांड कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहां पे वेट करना है। देन उसके बाद आप यहां पे देखें तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस यहां पे देखने मिलेगा। और अगर आप यहां पे देखें तो आपको यहां पे राइट साइड में और भी ऑप्शन यहां पे मिल जाते हैं, व्यू मीडिया किट का ऑप्शन मिलेगा और साथ में दोस्तों आपको सेट सजेस्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो सेट सजेस्ट जो प्राइस है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पे देखना है कि आपका किस हिसाब से व्यू आ रहा है, उस हिसाब से दोस्तों आप यहां पे एक अमाउंट सेट कर सकते हैं, मतलब कंपनी से कोई अगर आपको यहां पे डील करना है तो वो एक अमाउंट आप यहां पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे सेट कर लेता हूं 5000 रुपए यहां पे सेट कर लेता हूं लॉन्ग वीडियो के लिए, और शॉर्ट वीडियो के लिए यहां पे दोस्तों सेट कर लेता हूं 2000। और ये करने के बाद आपको दोस्तों डन वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक कर देना है और डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे सेट हो जाएगा। देन यहां पे बिजनेस कनेक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, बिजनेस कॉन्टेक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑप्शनल में जो आपने यहां पे अगर ईमेल आईडी दूसरा कोई डालना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप यहां पे डाल सकते हैं, इससे भी दोस्तों आपको यहां पे मेल आ जाएगा। और यहां पे व्यू मीडिया किट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये फाइल आपको यहां पे देखने मिलेगा, देख सकते हैं ये फाइल यहां पे मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, ये डाउनलोड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और इस फाइल को दोस्तों आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब भी अगर आपके साथ कोई भी डील किया जाएगा तो ये जो आपको जो पीडीएफ फाइल देखने मिल रहा है, इस पीडीएफ फाइल को दोस्तों उन कंपनी के साथ शेयर करना है, जिससे उनको कंफर्म होगा कि जो आप यहां पे चैनल बना के रखे हुए हैं वो आप ही का यहां पे चैनल है। और ये टोटल प्रोसेस जो कंप्लीट होगा वो आपको YouTube के द्वारा ही देखने मिलेगा। जो भी ब्रांड डील होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पे YT क्रिएटर के द्वारा आपके मेल में आएगा, उसका लिंक दिया जाएगा ब्रांड डील का। देन उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करके ब्रांड डील से आपको डायरेक्ट वहां पे कॉन्टेक्ट करना है, जो भी अर्निंग है वो बात कर लेना है, जो पीडीएफ फाइल आप वहां पे डाउनलोड कीजिएगा उसके साथ वो शेयर करना है। देन उसके बाद आपका जो भी अर्निंग होगा वो क्या करेगा, कंपनी की आपका YT स्टूडियो में गूगल एडसेंस में वो पेमेंट वहां पे ट्रांसफर कर देगा, YouTube कुछ अमाउंट कटेगा और बाकी अमाउंट आपको नेक्स्ट मंथ में 21 तारीख को वहां पे रोल आउट कर दिया जाएगा। तो